हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाले हूँ अयोध्या का धर्मशाला। यहाँ का मैं रूम दिखाऊंगा गाइस आपको, और यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, और यहाँ पे आपको कैसे विजिट करना है। जैसे आप अयोध्या जा रहे हो तो आप कहाँ पे रहेंगे, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो आप अगर मेरे हिसाब से अगर आप अयोध्या जा रहे हो तो एक बार आपको वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो भाई सबसे पहली बात कि अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो आप अयोध्या जंक्शन पे तो पहुंच जाएंगे, फिर आप रूम कहाँ पर लेंगे। और एक चीज़ जो मैटर करता है, जैसे वो लोग वाराणसी आते हैं तो सोचते हैं मुझे सस्ता धर्मशाला मिल जाए, तो लोग अयोध्या भी जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि सस्ता धर्मशाला मिल जाए। तो हम भी जाएंगे तो हमको भी लगता है कि यार ऐसे ही हमें भी सोचना है, हमें भी ऐसे ही जगह ढूंढनी है कि हम लोग सस्ते में कहाँ पर विजिट कर पाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो में मैं वही चीज़ दिखाने वाला हूँ, अयोध्या में सबसे सस्ता धर्मशाला, लो बजट वाला धर्मशाला आपको कहाँ पर मिलेगा। तो गाइस सबसे पहली बात तो रहेगी, आप अगर वाराणसी से या फिर और भी कहीं से भी जाते हैं अयोध्या, तो सबसे पहले आप जंक्शन पर पहुँचेंगे। जंक्शन पर वहाँ पर मान लीजिए बस स्टैंड पर पहुँचते हैं तो आपको सबसे पहले लता मंगेशकर चौराहे पर पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। आप वहाँ से कहाँ जाएंगे, वहाँ से एक बिरला धर्मशाला है, आप देख रहे हैं बिरला धर्मशाला। ये बिरला धर्मशाला बहुत ही सस्ते में, अभी मैं इसका रूम भी आपको दिखाऊंगा और यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर भी दूंगा। अगर आप वाराणसी से फिर कहीं से भी जा अयोध्या तो आप इसको देख लीजिए, आराम से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले आप लता मंगेशकर चौराहे पे आ जाएंगे, उसके बाद आपको चले जाना है बिरला धर्मशाला में। यहाँ से इसकी दूरी जंक्शन से 200 मीटर पड़ जाएगी, 200-250 मीटर पड़ जाती है। और आप बिरला धर्मशाला में जब पहुँच जाते हैं, स्टे कर लेते हैं, तो यहाँ से मंदिर की दूरी 100 मीटर या फिर 150 मीटर पड़ती है। वहाँ से आप टू व्हीकल्स लेके भी पहुँच सकते हो, 15-20 रुपये का भाड़ा लगता है। और अगर आप स्टेशन पर रहते हो, स्टेशन पर बिरला धर्मशाला जाने का 25-30 रुपये आपको लग जाता है, ठीक है। ये तो एक बात हो गई, चौराहे से आप जाएंगे बिरला धर्मशाला पे तो आपको 25-30 रुपये लग जाएगा। फिर वहाँ से मंदिर की दूरी है 10-15 रुपये आपको लगेंगे, ठीक है। ये है बिरला धर्मशाला, यहाँ पे पार्किंग वगैरह बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, वो यहाँ पर डॉर्मेटरी भी मिल जाएगा। अगर आप टू व्हीकल्स हो या मतलब 2% है या 1% है, तो आप लोग को बहुत सारे लोग का कमेंट रहता है कि भैया हमें डॉर्मेटरी चाहिए, अयोध्या में हमें डॉर्मेटरी मिल जाएगा क्या, कॉन्टैक्ट नंबर हमें दे दीजिए अयोध्या का। तो वही सब मैं कवर कर रहा हूँ। अयोध्या में अगर आप जाते हैं तो बिरला धर्मशाला में आप रहेंगे। ये देखिए इनका डॉर्मेटरी है, इनका सामने ही डॉर्मेटरी लगा हुआ है, 200 रुपये में इनकी स्टार्टिंग है। मतलब आप डॉर्मेटरी लेते हो तो 200 रुपये में मिल जाएगा, अगर आप 300 रुपये का लेते हो तो आपको एक रूम मिल जाएगा, वो बजट वाला रहेगा, मतलब टेम्परेरी रहेगा। अगर रहेगा 400 रुपये का लोगे तो ये बहुत बढ़िया है, आपको 400 रुपये में मिल जाएगा, 500 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ पे वेस्टर्न लेटरिन, जो आप वॉशरूम चाहते हो तो आपको यहाँ पे वेस्टर्न मिल जाएगा। ये सब चीज़ें हम लोग को जरूरी होती है, क्योंकि और एक मग बाल्टी मिल जाएगा, शावर वगैरह मिल जाएगा। ये इनका वॉशरूम है, बहुत बढ़िया तरीके से आप रह सकते हो आराम से। गाइस इनका कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे, मैं लगा दे रहा हूँ, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे। अगर आप जा रहे हो तो ये वीडियो सबसे पहले तो आप वीडियो देख लो एक बार, फिर उसके बाद यहाँ पे जो मैंने नंबर लगाया हुआ है ये नंबर आप देख लीजिए, और यहाँ पे सबसे पहले इनको कॉल कर लीजिए। यहाँ पे ऑनलाइन भी बुकिंग हो जाती है, जैसे वाराणसी में बहुत सारे लोग आते हैं तो वाराणसी में ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, मतलब धर्मशाला वाले तो ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जो धर्मशाला वाले हैं तो कर लेते हैं। तो आपसे पहले तो आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मैंने लगा दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर को और यहाँ पे कॉल लगा के पूछ लीजिए आप कब जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। यहाँ पे तो वैसे बहुत सारे धर्मशाला हैं अयोध्या में, जैसे वाराणसी में बहुत सारे धर्मशाला है, तो अयोध्या में वैसे ही बहुत सारा धर्मशाला है, आप बहुत सारे धर्मशाला में कवर कर सकते हो अयोध्या जाकर। बट एनीवे अगर आपको नहीं ढूंढना है, आसान तरीका मैंने बताया, और इस पर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लगाया, आप यहाँ पे कॉल कर लीजिए, सारी चीज़ें पूछताछ लीजिए, तब उसके बाद ही आप जाइएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, हो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। काम करिए, इंजॉय करिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, मार को विदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, शब्बा खुदा हाफिज़।